ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। लोहा व्यापारी से 10 लाख लूटकर फरार होने वाले आरोपियों को पकड़ने इंदौर पुलिस कमिश्नर ने 30,000 का इनाम घोषित किया है। पुलिस कमिश्नर छोटी गांव टोली थाने पहुंच आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। छोटी ग्वाल टोली थाना क्षेत्र के नसिया रोड पर लोहा व्यापारी शाहनवाज खान पर बाइक पर आए तीन बदमाशों ने चाकू से हमला कर व्यापारी के पास रखा काले रंग का 10 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए थे। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा देर रात छोटी ग्वाल टोली थाने पहुंच फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। घटना के सीसीटीवी फुटेजों को खंगाल कर पुलिस की चार अलग अलग टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी है। उस मामले में लगभग दो तीन टीमें काम कर रही हैं, तीन अलग अलग टीमें काम कर रही हैं और इसमें खासतौर पे क्राइम ब्रांच और यहाँ की टीमें अलग अलग संयुक्त रूप से काम कर रही है। इसमें खासतौर पर इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया गया है। इसमें इस मामले की तह तक जाने के लिए जितने भी संभावित पहलू हैं हर पहलू पर पुलिस गहनता से काम कर रही है और उम्मीद है कि आने वाले एक दो दिनों में मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। इस पर कुल 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है और इस पूरे मामले में जो भी जानकारी देगा फिर दी जाएगी। इसके अलावा जितने भी तकनीकी कारण हो सकते हैं, जितने भी इसके वैज्ञानिक पहलू हो सकते हैं, इसको पकड़ने के लिए जो भी सावधानियां हो सकती हैं उस पर पुलिस काम कर रही है। अभी उसी बारे में एक बैठक भी थी जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी और जांच अधिकारी इसमें सम्मिलित थे और खास तौर पर इस पूरे मामले की तह तक जाकर के इसमें आरोपियों के साथ न सिर्फ पकड़ा जाएगा बल्कि कठोरतम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।